हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नियो वर्ल्डेक। दोस्तों मेरा नाम है नवीन राज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए। बिकॉज फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब की अपडेट लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, 5 नई सरकारी नौकरियों की अपडेट लेकर आए हैं जो कि अक्टूबर के इस मंथ में बंपर वैकेंसीज है। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें, अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट पास है, या फिर अगर आप आईटीआई डिप्लोमा डिग्री पास भी हैं, अगर आप बेरोजगार हैं, आपके पास कोई भी नौकरी नहीं है, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी पाने की इच्छा रखते हैं, तो आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए है। क्योंकि दोस्तों हम आपको बताएंगे कैसे आपको मिलेगी सरकारी नौकरी, वो भी इस साल 2022 में। जी हाँ दोस्तों, काफी टफ कंपटीशन है, लेकिन बंपर वैकेंसीज आ चुकी है, तो आप जो है इनके लिए अप्लाई करके एक सरकारी नौकरी जो है फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों अप्लाई जरूर कीजिएगा। हम आपको बता दें कि रेलवे, एसएससी, बैंक, पुलिस, आर्मी, पोस्ट ऑफिस, इन सभी डिपार्टमेंट से बंपर वैकेंसीज आ चुकी है। डिटेल्स में आपको जानकारी देंगे इन वैकेंसीज के बारे में, जैसा कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, आवेदन कब से कब तक चलेंगे, किस प्रकार आपको अप्लाई करना होगा, सारी जानकारी आपको देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और लाइक करने के साथ साथ दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को इन वैकेंसीज के बारे में पता चले, वो भी अप्लाई कर सके। रोजाना इसी प्रकार सरकारी नौकरी की अपडेट के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबा दीजिएगा, साथ ही साथ घंटी का बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वन बाय वन करके आपको सारी डिटेल्स में जानकारी देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर की जो वैकेंसीज है वो आपके सामने है, पोस्ट ऑफिस की तरफ से आई बड़ी भर्ती की। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2022 फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका पहले से रिलीज हो चुका है, और ये बंपर वैकेंसी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि कौन कौन सी पोस्ट पे नोटिफिकेशन है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी पोस्ट है, एमटीएस की वैकेंसी है, पोस्टमैन की वैकेंसी है, मेल गार्ड की वैकेंसी है। और दोस्तों ये छोटी मोटी वैकेंसी नहीं होने वाली है, ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के बाद में ये बड़ी भर्ती होने जा रही है। तो दोस्तों अगर आप बिना एग्जाम के सिलेक्शन पाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई जरूर कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों यहां पर 10वीं पास के साथ साथ 12वीं पास कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप ग्रेजुएट पास हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। ठीक है, तो यहां पर सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज होने जा रही है, जो कि पोस्ट ऑफिस की तरफ से बड़ी भर्ती है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों कि पोस्ट ऑफिस की इस वैकेंसी के लिए आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होगी, सीधी भर्ती है, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा, और सैलरी आपको काफी जबरदस्त मिलने वाली है। तो चलिए आपको और भी डिटेल्स में जानकारी देते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड की पोस्ट पे पोस्टमैन की तरफ से, पोस्ट ऑफिस की तरफ से बंपर वैकेंसीज हैं। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो वैकेंसी है, इसके आवेदन केवल आपको ऑनलाइन करने होंगे, और यहां पर जो सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा केवल मेरिट के आधार पर सिलेक्शन रहेगा। यानी कि दोस्तों यहां पर ना तो आपकी परीक्षा होगी, ना ही कोई आपका इंटरव्यू होगा, सीधी भर्ती है, केवल आपको अप्लाई करना है, आपको ये नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, वही दोस्तों यहाँ पर जो आपको सैलरी मिल रही है, कम से कम 18,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, वही 81,000 रुपए तक आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो 18,000 से 81,000 रुपए पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी मिल रही है। और दोस्तों इस वैकेंसी के लिए जो एज लिमिट है वो आप देख सकते हैं कितनी यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो एज लिमिट जो है कम से कम कितनी होनी चाहिए आपकी, 18 साल की एज होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। वही मैक्सिमम जो है 40 साल तक की एज के कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। आयु सीमा में छूट है सरकार के नियम अनुसार, जो कि एससी एसटी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको, रिजर्व कैंडिडेट्स को जो है एज पर नॉर्म्स यहां पर छूट दी जाएगी आयु सीमा में। वही दोस्तों एप्लीकेशन फीस की अगर बात कर लेते हैं, तो यहां पर जो है जनरल ओबीसी के कैंडिडेट्स को जो है केवल 100 रुपए का पेमेंट करना होगा, वही एससी एसटी के कैंडिडेट्स को कोई भी पेमेंट नहीं करना है, बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। वही जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट्स को जो पेमेंट करना होगा केवल ऑनलाइन करना होगा, वो भी किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, या फिर आप पेटीएम से भी कर सकते हैं, या फिर अदर मोड भी काफी सारे हैं आजकल, उनके माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। वही एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर केवल 10वीं पास कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए सुनहरा मौका है पोस्ट ऑफिस की इस बंपर वैकेंसी के लिए अप्लाई करने का। वही 12th पास और ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, वही दोस्तों इसके आवेदन आपको बता दें कि आवेदन जो है जल्दी शुरू होने वाले हैं। यहाँ पर आवेदन जो है आप देख सकते हैं अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक इसके आवेदन चलेंगे। तो ठीक है, तो अक्टूबर में इसके आवेदन शुरू होने वाले हैं, जल्दी ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाला है, नोटिफिकेशन यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों नोटिफिकेशन को आप चेकआउट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन है, जो कि यहाँ पर सर्कल वाइज जारी किया गया है, अलग अलग सर्कल में कितनी कितनी वैकेंसी है, पोस्टमैन की कितनी वैकेंसी है, मेल गार्ड की कितनी है, एमटीएस की कितनी है, ये सारी डिटेल्स में जानकारी यहाँ पर मेंशन कर रखी है। अलग अलग सर्कल में आप देख सकते हैं आसाम, बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली में, गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में,
महाराष्ट्र में, इन सभी स्टेट में, इन सभी सर्कल में कितनी कितनी वैकेंसीज है, नंबर ऑफ वैकेंसी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, सारी डिटेल्स में जानकारी यहाँ पर दे रखी है। तो तैयारियों में लग जाए, यहाँ पर आपकी कोई भी एग्जाम नहीं है, फिर भी बाई चांस अगर आपका एग्जाम होता है तो आपको तैयारी भी करनी पड़ सकती है, ठीक है। वही दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ बंपर वैकेंसी की ओर जो निकाली जा रही है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC की तरफ से, बड़ी भर्ती। जी हाँ दोस्तों, फाइनली आप देख सकते हैं SSC की तरफ से CGL का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जो कि रिक्रूटमेंट 2022 का है, ठीक है। इस साल 2022 की बंपर वैकेंसी है, 20,000 पोस्ट पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 20,000 पोस्ट पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ठीक है। ऑल इंडिया की यहाँ पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों मल्टीपल जॉब से, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, असिस्टेंट की जो वैकेंसी है, अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट से वैकेंसी है, जैसा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से, इंटेलिजेंस ब्यूरो से, ऑडिट ऑफिसर से है, मतलब काफी सारे अलग अलग डिपार्टमेंट से यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आ रही है। असिस्टेंट की वैकेंसी है, इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, ठीक है, SI की वैकेंसी है, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, ऑडिटर की वैकेंसी है, टैक्स असिस्टेंट की है, कंप्लेनर की है, तो यहाँ पर काफी सारी वैकेंसी है जो आप देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आपको अप्लाई केवल ऑनलाइन करना होगा, आवेदन जो है ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं, ठीक है। टोटल वैकेंसी जैसा कि मैंने आपको बताया कि 20,000 वैकेंसी है, जो कि SSC की इस साल 2022 की एक और नई और बंपर वैकेंसी है, ठीक है। वही दोस्तों इस वैकेंसी के लिए जो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस होगा वो आप देख सकते हैं, आपका यहाँ पर Tier 1 और Tier 2 आपके दो एग्जाम होंगे। टायर 1 की आपको तैयारी करनी है, क्वालिफाइड होने के बाद में आपको टायर 2 के लिए कॉल आएगा, तो आपको दोनों ही एग्जाम क्रैक करने होंगे, उसके बाद केवल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार आपको तैयारी करनी होगी यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सैलरी के बारे में आपको बताया गया है कि एज पर रूल्स आपको सैलरी मिलेगी, क्योंकि काफी सारी वैकेंसीज है, मल्टीपल जॉब्स है, तो हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी का क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। वही दोस्तों यहाँ पर ऑल इंडिया के जो कैंडिडेट्स है, मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है। वही दोस्तों यहाँ पर जो एज लिमिट है वो आप देख सकते हैं, एज लिमिट कितनी है, तो एज लिमिट जो है कम से कम 18 साल है, अधिकतम जो है मैक्सिमम 32 साल है, तो अगर आपकी एज है 18 से 32 साल तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ICU में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। वही दोस्तों यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस है वो आप चेकआउट कर सकते हैं, जो एप्लीकेशन फीस है वो जनरल और OBC के लिए केवल 100 रुपए है, बाकी SC ST ऑल फीमेल्स के लिए, PH के लिए बिल्कुल फ्री है। ऑल फीमेल का मतलब यानी कि अगर आप जनरल या OBC की फीमेल्स भी है तो भी आप बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकती है, कोई भी चार्जेस पे नहीं करने हैं। यहाँ पर जनरल और OBC के सिर्फ केवल मेल कैंडिडेट्स को ही पेमेंट करना होगा 100 रुपए का, ठीक है, वो भी ऑनलाइन करना है, किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया की रहेगी। वही दोस्तों यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं क्या रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है दोस्तों, अगर आप एनी ग्रेजुएट पास है किसी भी डिसिप्लिन में, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस में हो या BBTech हो, तो आप सभी कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है, ठीक है, तो अप्लाई जरूर कीजिएगा अगर आप ग्रेजुएट पास है तो, ठीक है। वही दोस्तों इसके आवेदन आप देख सकते हैं कब से कब तक चलेंगे, तो 17 सितंबर से 18 अक्टूबर तक इसके आवेदन चलेंगे। आवेदन केवल आपको ऑनलाइन करना होगा, ठीक है। आपका जो एग्जाम होगा टायर 1 का वो दिसंबर में होगा, टेंटेटिव डेट से, एडमिट कार्ड आपके जल्द ही जारी किए जाएंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ से आप जो है नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने गाइस नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जो कि SSC की तरफ से CGL का जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सारी की सारी जानकारी है, जैसा कि आप देख सकते हैं कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आवेदन जो है 17 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चलेंगे, ठीक है, तो 8 अक्टूबर तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। डिटेल्स में जानकारी यहाँ पर मेंशन कर रखी है, अच्छे से जानकारी आप ले सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम का पैटर्न क्या होगा और एग्जाम का सेंटर कहाँ कहाँ पर आपका आएगा, पोस्ट वाइज यहाँ पर डिटेल्स में जानकारी है, क्वालिफिकेशन क्या होगी, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सारी जानकारी आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में दे रखी है। नीचे आप जाकर के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर एग्जाम का जो पैटर्न है वो भी आपको मिल जाएगा, यानी कि एग्जाम का जो सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा वो किस प्रकार रहने वाला है वो भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों एग्जाम के सेंटर कहाँ पर होंगे वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, पर्टिकुलर एक एक स्टेट वाइज, सिटी वाइज यहाँ पर मेंशन किया गया है। वहीं आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा एग्जाम का पैटर्न, टायर 1 का एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा वो यहाँ पर दे रखा है, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर टायर 1 में आपके 4 सब्जेक्ट होंगे, 25-25 नंबर के सवाल आएंगे हर एक सब्जेक्ट से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक घंटे का आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। वहीं दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं टायर 2 का भी आपको एग्जाम का पैटर्न यहाँ पर दिया गया है, तो आप नोटिफिकेशन में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, अब हमारी जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है रेलवे की वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ईस्टर्न रेलवे की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है अप्रेंटिस की पोस्ट पे। तो दोस्तों, अप्रेंटिस का ये कोर्स आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर रेलवे की तरफ से एक अपडेट निकल कर आ रहा है। तो रेलवे जो है फाइनली ग्रुप डी की वैकेंसी निकाल रहा है, टेक्नीशियन की वैकेंसी निकाल रहा है, लोको पायलट की वैकेंसी निकाल रहा है, जिसके लिए स्पेशली अप्रेंटिस के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए स्पेशली एक कोटा होता है, जिसके तहत अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो आपको यहाँ पर वैकेंसी जो है मिलने के काफी हद तक चांसेस होते हैं। तो दोस्तों, अप्रेंटिस जरूर कीजिएगा, आपको यहाँ पर काफी अच्छे बोनस पॉइंट भी मिलते हैं अप्रेंटिस के सर्टिफिकेट को शो करने पर। तो दोस्तों, अप्रेंटिस जरूर कीजिएगा। काफी सारे कैंडिडेट्स जो हैं ये सोचते हैं कि एक साल का कोर्स है, उसके बाद हमें निकाल दिया जाएगा, उसके बाद हमें जॉब नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, आप रेलवे की अगर तैयारी कर रहे हैं, रेलवे में अगर आपको नौकरी ही पानी है, तो अप्रेंटिस का कोर्स जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर ईस्टर्न रेलवे की तरफ से अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली गई है, जो की फिटर में है, वेल्डर में है, मैकेनिस्ट में है, ब्लैक स्मिथ में है, कारपेंटर में है, लाइनमैन में है, वायरमैन में है, और भी अलग अलग ट्रेड में ये वैकेंसी है, जिसकी आप लिस्ट यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। टोटल वैकेंसी जो है 3115 है, ठीक है, 3115 यहाँ पर वैकेंसी रिलीज की गई है, जिसके आवेदन केवल आपको ऑनलाइन करने होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप जो है ईस्टर्न रेलवे की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस जॉब के लिए जो है ऑल इंडिया के कैंडिडेट जो है मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए, ठीक है। मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है। सिलेक्शन का जो प्रोसेस होने वाला है अप्रेंटिस की इस वैकेंसी के लिए, केवल मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा, ना तो आपकी एग्जाम होगी, ना ही कोई आपका इंटरव्यू होगा। जॉब लोकेशन ईस्टर्न रेलवे की रहेगी, ठीक है। वहीं दोस्तों, यहां पर अब बात करते हैं कि यहां पर एज लिमिट क्या होने वाली है। तो दोस्तों, यहां पर जो एज लिमिट है वो कम से कम 15 साल है, मैक्सिमम जो है 24 साल है, उसके अलावा आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। वहीं दोस्तों, यहां पर जो एप्लीकेशन फीस है वो जनरल ओबीसी के लिए केवल 100 रुपए है, बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यू वुमेन्स के लिए बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्ज आपको पे नहीं करने हैं। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट से पीडब्ल्यू है या वुमेन्स है तो आप फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट जो है गाइस आपको ऑनलाइन करना होगा किसी भी माध्यम से। क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बता दें तो 10वीं पास अगर आप है, 12th अगर आप पास है, अगर आप आईटीआई पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अप्लाई जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, बार बार आपको बता दें कि अप्रेंटिस की वैकेंसीज नहीं निकलती है, तो जब भी निकलती है अप्लाई जरूर कीजिएगा, अगर आपने नहीं कर रखा है अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है तो, ठीक है। दोस्तों, इसके आवेदन जो है 30 सितंबर से 29 अक्टूबर तक चलेंगे, तो 29 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है 11 तारीख अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ में। दोस्तों, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नोटिफिकेशन आएगा, जिसे आप अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल्स में जानकारी मेंशन कर रखी है, ठीक है। तो यहां पर एक अप्रेंटिस की वैकेंसीज निकाली गई है, आवेदन जो है 23 सितंबर से 30 अक्टूबर 29 अक्टूबर तक चलेंगे, ठीक है। तो 30 सितंबर से 29 अक्टूबर तक इसके आवेदन चलने वाले हैं, जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और नई वैकेंसी की जो निकाली जा रही है भारतीय वायुसेना की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी एक बंपर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अग्निवीर वायु की रिक्रूटमेंट आ चुकी है 2022 की। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अग्निवीर वायु की पोस्ट पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। टोटल वैकेंसी जो है 3000+ यहाँ पर 500 वैकेंसी है, ठीक है। तो 3500 यहाँ पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है। दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए केवल आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, ऑल इंडिया के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें केवल आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी और फिटनेस टेस्ट आपका लिया जाएगा। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया की रहेगी। वहीं दोस्तों, यहां पर जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो सभी कैंडिडेट्स के लिए केवल 250 रुपए है। अगर आप एससी एसटी ओबीसी जनरल के कैंडिडेट्स हैं तो आप सभी को 250 रुपए का पेमेंट करना होगा, वो भी आपको ऑनलाइन करना होगा, तो ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं किसी भी माध्यम से। वहीं दोस्तों, इस इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी के लिए जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है वो आप देख सकते हैं क्या रहेगा, ठीक है। कम से कम 17.5 साल की आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप 17.5 साल के हो चुके हैं और मैक्सिमम जो है 23 साल तक के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है। उसके अलावा आईसीयू में छूट है सरकार के नियम अनुसार। और दोस्तों, यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है, अगर आप 10+2 यानी कि अगर आप 12th क्लास पास है तो आप एलिजिबल है इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 12th पास कैंडिडेट्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अप्लाई जरूर कीजिएगा। काफी समय बाद ये वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है फिर से। और दोस्तों, यहाँ पर जो आवेदन है वो आप देख सकते हैं नवंबर के फर्स्ट वीक में शुरू हो रहे हैं, नवंबर 2022 तक इसके आवेदन चलेंगे। दोस्तों, नवंबर फर्स्ट वीक में जो आवेदन चलेंगे, ये जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट की गई है ये इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पर की गई, जो कि दोस्तों आप यहां पर क्लिक करके जानकारी ले सकते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स की अग्निवीर की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहां पर एक आप देख सकते हैं न्यूज चल रही है, और यहां पर साफ साफ बताया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर साफ साफ बताया गया है कि इसके आवेदन जो है नवंबर के फर्स्ट वीक में शुरू होने हैं, ठीक है। तो नवंबर के फर्स्ट वीक में इसके आवेदन शुरू होने हैं, तो जल्द से जल्द अपनी तैयारी में लग जाए, क्योंकि यहां पर फिर से आपके लिए आ रही है एक और नई बम्पर वैकेंसी, ठीक है। दोस्तों, फाइनली बात करते हैं एसबीआई की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हां दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की तरफ से भी पीओ का नोटिफिकेशन जारी किया गया है इस साल 2022 का, जो कि बड़ी भर्ती का है।
दोस्तों यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है यहां पर आप देख सकते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि पीओ की वैकेंसी है। ठीक है, यहां पर जो टोटल वैकेंसी है 1673 पोस्ट पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके आवेदन केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। सैलरी आपको काफी हैंडसम मिल रही है, 63,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, जो कि काफी अच्छी सैलरी है। वहीं सिलेक्शन के प्रोसेस की बात कर लेते हैं गाइस, तो यहां पर आपका एग्जाम होगा प्री और मेन, आपके रिटन एग्जाम होगा यानी कि सीबीटी बेस आपका लिया जाएगा एग्जाम, जो कि प्री और मेन एग्जाम होंगे, उसके बाद फाइनली आपका इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, जो लोकेशन ऑल ओवर इंडिया की रहेगी, और ऑल इंडिया के जो कैंडिडेट्स हैं मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों यहां पर कम से कम 21 साल है, मैक्सिमम जो है 30 साल है। एप्लीकेशन फीस जो है जनरल ओबीसी के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपए है, बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए बिल्कुल फ्री है, पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा। ठीक है, वहीं दोस्तों इसके लिए क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, तो क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, अगर आप यहां पर ग्रेजुएट पास है किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस में हो, बीबीटेक हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके आवेदन जो है कब से कब तक चलेंगे वो आप देख सकते हैं, आवेदन जो है 22 सितंबर से 12 अक्टूबर तक चलेंगे, तो 12 अक्टूबर लास्ट डेट है, और आपका जो एग्जाम होगा प्री एग्जाम दिसंबर में होगा। ठीक है, आपका जो मेन एग्जाम होगा जनवरी फरवरी 2023 के अंदर होगा। ठीक है, 2023 में आपका एग्जाम होगा। दोस्तों यहां पर आपको अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये रहा लिंक अप्लाई करने का, ये रहा लिंक नोटिफिकेशन। तो दोस्तों आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, और ये रहा लिंक अप्लाई करने का, यहाँ पर आप क्लिक करके अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की बम्पर वैकेंसीज की अपडेट, उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी सवाल है आपके मन में, तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और दोस्तों आप किस सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं, सिटी का नाम और अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि आपके सिटी के आसपास की जो भी वैकेंसीज होती है उनकी अपडेट आपको सबसे पहले दी जा सके। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।